टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 5000। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। अगर आपका बजट भी बहुत टाइट है, 5000 में एक स्मार्टफोन चाहिए अपने फैमिली मेंबर या अपने लिए ही, जिसमें आप स्टडी, मल्टीटास्किंग और हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सके, तो मैं आपको बता दूं, इस बार में आपको 4GB का रैम, 64GB का बड़ा स्टोरेज, तगड़ा प्रोसेसर और साथ में बड़ा डिस्प्ले और एक बवाल कैमरा। तो चलिए देखते हो कौन कौन से स्मार्टफोन है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोकिए। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। अगर आपको 2 ईयर का वारंटी और साथ में एक लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो आप रेडमी A2 ले सकते हो। इसका लुक्स एंड डिजाइन आपको फंटास्टिक मिल जाएगा। फीचर की बात की जाए तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G36 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और साथ में इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 मिलता है, जो कि गो एडिशन है, तो ये बात ध्यान रखना। डिस्प्ले पाए तो इसमें आपको 6.52 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है और साथ में 400 nits पीक ब्राइटनेस मिलता है, तो आपको आउटडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैमरे पर तो इसमें आपको 8 MP का डुअल रियर कैमरा मिलता है, जो कि 8 MP का मेन कैमरा है और एक डेप्थ सेंसर है। फ्रंट में आपको वही 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। और कुछ फीचर बताओ तो इसमें आपको 5GB का वर्चुअल रैम, 2 ईयर का वारंटी, प्लास्टिक का बैक, 192 ग्राम वेट, 9mm का थिकनेस, सिंगल स्पीकर, डेडिकेटेड सिम स्लॉट और साथ में 3.5mm का जैक। तो ऊपर से नीचे देखा जाए तो जबरदस्त स्मार्टफोन है। तो फाइनली बात करते हैं पैसे की। इसके 2GB+32GB वेरिएंट का प्राइस 5699 रुपीज है। बट अगर आप इसको अभी खरीदोगे सेल में तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो ये स्मार्टफोन 5000 तक आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ चेकआउट मार सकते हो। हम बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। इसलिए इसके नंबर 4 पर आता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD। इसका लुक्स एंड डिजाइन आपको बवाल मिल जाता है और साथ में इसमें आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें आपको यूनिसेक का कोई प्रोसेसर मिलता है, जिसका नाम अजीब है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। लेकिन इसकी अच्छी बात है, इसमें आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है और साथ ही साथ एंड्रॉइड 12 मिलता है, बट ये भी गो एडिशन पे वर्क करता है। डिस्प्ले पाए तो इसमें आपको 6.6 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है और साथ में 500 nits पीक ब्राइटनेस और फिंगरप्रिंट तो मिलता ही है। कैमरे पाए तो इसमें आपको 8 MP का डुअल रियर कैमरा मिलता है, जो कि 8 MP का मेन कैमरा है और एक डेप्थ सेंसर है। फ्रंट में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा। और कुछ फीचर बताओ तो इसमें आपको 2GB का वर्चुअल रैम, प्लास्टिक का बैक, 196 ग्राम वेट, 8.65mm का थिकनेस, सिंगल स्पीकर, डेडिकेटेड सिम स्लॉट, 3.5mm का जैक और साथ में फ्री का केस भी मिल जाता है। तो सब चीज तो मिल रहा है दोस्तों आपको, और क्या लोगे। बैटरी पर इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है और साथ में 10W का चार्जर। तो फाइनली बात करते हैं प्राइस की। इसके 2GB+64GB वेरिएंट का प्राइस 6199 रुपीज है। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप ये स्मार्टफोन 5579 रुपीज में बाय कर सकते हो। तो फटाफट जाओ बाय कर लो, क्योंकि अभी सेल चल रहा है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पर, तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। अब आते हैं नंबर 3 पर। इसलिए इसके नंबर 3 पर आता है Realme C30। इसका लुक्स एंड डिजाइन उतना खास नहीं है। फीचर की बात करते हैं, इसमें आपको यूनिसॉक T612 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि बना 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर, जिसका एंड्रॉइड स्कोर 1,80,000 के प्लस जाता है। तो आप इसमें नॉर्मल सेटिंग पर गेमिंग कर सकते हो एकदम आराम से। OS इसमें आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है, जो कि थोड़ा पुराना है, बट आपको अपडेट मिल जाएगा 12 का। तो अब आते हैं डिस्प्ले पे। इसमें आपको 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है और साथ में 400 nits पीक ब्राइटनेस है। फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, बट फेस अनलॉक है। कैमरे पर तो इसमें आपको 8 MP का सिंगल रियर कैमरा मिलता है और साथ में 5 MP का सेल्फी कैमरा। और कुछ फीचर की बात की जाए तो इसमें आपको प्लास्टिक का बैक, 182 ग्राम वेट, 8.5mm का थिकनेस, सिंगल स्पीकर, डेडिकेटेड सिम स्लॉट और साथ में 3.5mm का जैक। बैटरी पर तो इसमें भी आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है और साथ में 10W का चार्जर। तो फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस की। इसके 2GB+32GB वेरिएंट का प्राइस 5999 रुपीज है। बट अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप ये स्मार्टफोन 5699 रुपीज में बाय कर सकते हो। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ चेकआउट मार सकते हो। अब आते हैं नंबर 2 पर। अगर आपको चाहिए बड़ा रैम, बड़ा स्टोरेज और साथ में फिंगरप्रिंट, तो आप ले सकते हो POCO C51। इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G36 का प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और इसमें भी आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 मिल जाता है। डिस्प्ले पर इसमें आपको 6.52 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है
और साथ में 400 nits peak brightness, पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन एंड साथ में रियर फिंगरप्रिंट। कैमरे पे आते इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और एक QVGA सेंसर है। फ्रंट में आपको वही 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और कुछ फीचर की बात की जाए तो इसमें आपको 3GB का वर्चुअल रैम, प्लास्टिक का बैक, 192 ग्राम वेट, 9mm का थिकनेस, सिंगल स्पीकर, डेडिकेटेड सिम स्लॉट और साथ में 3.5mm का जैक। तो फाइनली बात करते हैं पैसे की। इसके 4GB प्लस 64GB वैन का प्राइस 6,499 रुपीज है। प्राइस ज्यादा है मैं जानता हूँ, बट अगर आप अभी बैंक ऑफर लगाओगे तो आपको ये सस्ते मिल जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं नंबर फर्स्ट की। इस लिस्ट के नंबर फर्स्ट पर आता है मोटोरोला E13। अगर आपको क्लीन UI, तगड़ा प्रोसेसर और साथ में बड़ा स्टोरेज चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए। इसमें आपको भाई यूनिसॉक T606 का प्रोसेसर मिलता है जो कि बना है 12nm टेक्नोलॉजी पर, जिसका एंड्रॉइड स्कोर 200,000 तक जाता है भाई। और साथ में इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कचरा सस्ता नहीं मिलता है, मतलब UI एकदम क्लियर है, तो आप इसमें तगड़े लेवल की गेमिंग कर सकते हो भाई। डिस्प्ले पर आते इसमें आपको 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। फिंगरप्रिंट इसमें नहीं मिलता है भाई आपको, तो ये बात ध्यान रखना। कैमरे पर आते इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा मिलता है और फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। कैमरा क्वालिटी इसका जबरदस्त है भाई, 2-2 मेगापिक्सल का फालतू का कैमरा तो दिया नहीं है मोटो, तो ये चीज अच्छा किया मोटो ने। और कुछ फीचर बताओ तो इसमें आपको IP52 का वाटर असिस्टेंट, प्लास्टिक का बैक, 180 ग्राम वेट, 8.47mm का थिकनेस, सिंगल स्पीकर, डेडिकेटेड सिम स्लॉट, 3.5mm का जैक और साथ में फ्री का केस। बैटरी बात इसमें आपको 5000mAh का बैटरी मिलता है और साथ में वही 10W का नॉर्मल चार्जर। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन जबरदस्त है भाई। फाइनली बात करते हैं प्राइस की। इसके 2GB प्लस 64GB वैन का प्राइस 6,499 रुपीज है, बट अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये स्मार्टफोन आप 5,849 रुपीज का बाय कर सकते हो। और अगर आप वीडियो के यहाँ तक आई गए हो और आपको वाकई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।